चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। आपका मूड क्यों खराब है माँ जी? महमूद साहब से झगड़ा हुआ है क्या? मुझे लोहा गर्म लग रहा है जरा, हाथ तो ला। माँ जी मैं क्यों गर्म लोहे को हाथ लगाऊं? अगर मेरा हाथ जल गया तो? अब इतना भी गर्म नहीं हो रहा है कि हाथ जल जाएगा तेरा। माँ जी मैं तो कहती हूँ कि अगर लोहा गर्म है ना तो हथौड़ा मार। मैं अपने पुत्र को हथौड़ा क्यों मारूं? तू मारना अपनी बच्ची को हथौड़ा। अरे यार आपके बच्चे का नाम लोहा नहीं है, सोना है। हैं? हाँ, और ये गरम क्यों हो रहा है? मैंने इसकी वेकेशन जो कराई है। वेकेशन? तुमने अपनी बच्ची की वेकेशन नहीं कराई? माँ जी चांदी क्या स्कूल जाती है कि उसकी वेकेशन होंगी? हाय स्कूल जाएगी तब कराएगी। करवाऊंगी नहीं तब होंगी। मैंने तो अपने पुत्र को पर्सनली टीके लगवाए हैं। आप वैक्सीनेशन की बात कर रही हैं? नहीं टीकों की। माँ जी उसे वैक्सीनेशन ही कहते हैं। किसको? टीकों को माँ जी। कौन कौन से लगवाए? ब्लैक कॉफ, खनास और तशद्दुद के टीके लगाए। चलो 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 हम भी अंदर चलो। नबील दी जानो, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं डॉक्टर, तो माँ जी को उन्हें क्यों नहीं दिखाते हो? क्या हो गया तुम्हें? माँ जी की तीसरी शादी कराओगी तुम? नबील मैं इलाज की बात कर रही हूँ। डॉक्टर का? नहीं माँ जी का। क्यों? माँ जी को क्या हुआ है? नबील माँ जी सोने तक का नाम नहीं लेती यार। कैसी बातें कर रही हो जानू? माँ जी 24 घंटों में से 18 घंटे तो सोती रहती हैं। नबील मैं उस सोने की बात नहीं कर रही हूँ यार। फिर? तुम्हारे छोटे भाई सोने की बात कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे भाई को? उसको कुछ नहीं हुआ। जानू जब उसे कुछ हुआ ही नहीं है तो उसे डॉक्टर को क्यों दिखाएं? ओह गॉड तुम चुप करके सो जाओ। इतनी जल्दी जानू? हाँ छोटी छोटी लाल बूटियां पहनी हुई है इसने ना, तो ये पार्क में जाएगा तो अपने अब्बे जी के साथ ना क्रिकेट खेलेगा ऐसे भाग भाग के। अरे मोमो मैं इसे पार्क ले जाके क्या करूंगा? आप वहाँ वो कर लीजिएगा। वो क्या? वो जो आप घर में नहीं कर सकते। अरे जो मैं घर में नहीं करता वो वहाँ कैसे करूँगा? घर में लेटे लेटे आपने तोंद बढ़ा ली, पार्क में वो करेंगे ना तो तोंद भी कम हो जाएगी। अरे वो क्या? वही जो वॉकमैन लगा के करते हैं। हाँ वाक 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 कीजिएगा ना आप। चुप मुन्ने चुपड़े खाएगा तू मुझसे। भाई मैं इसे गोद में लेके वॉक नहीं कर सकता मोमो। तो आप अदील से गाड़ी ले जाए ना। कौन अदील? हाय मेरा पुत्र। और कौन? उसका नाम नबील है। गाड़ी का? अरे तुम्हारे पुत्र का। हाँ तो नबील से गाड़ी ले जाए ना। यार नबील के पास कौन सी गाड़ी है? वो है ना जिसमें बच्चे को डाल के घुमाते हैं ऐसे। प्रेम? हाँ हाँ प्लेन प्लेन। प्लेन नहीं मोमो प्रेम। आप उससे लेकर आए ना, मैं अपने पीतल को चलने वाले जूते बनाती हूँ। सोना? नहीं सोना वोना नहीं है इसने, ये तो अपने अब्बे जी के साथ पार्क जाएगा। क्यों? खराब है तेरे बाप की, मजाज खराब है। नबील? नबील क्या हुआ? नौकरी देख रहे हो? अखबार पढ़ रहा हूँ। मेरा मतलब है कि तुम अखबार में नौकरी देख रहे हो। क्या हो गया महमूद साहब आपको? बाल आपके बढ़ रहे हैं, अकल आपकी कम हो रही है, क्या खा रहे हैं आप? मैं अखबार में क्यों नौकरी करूंगा यार? तो फिर तुम कहाँ नौकरी करोगे नबील? आपके ख्वाब। वो जो तुम मेरे ख्वाब में करोगे वो नौकरी होगी? हां जी। अच्छा नबील मैं जरा पार्क में वॉक करने जा रहा हूँ। शुक्र है महमूद साहब आपको भी घर से बाहर निकलने का ख्याल तो आया। चाहिए वो क्या है? मुझे जरा प्रेम चाहिए जो तुम्हारे पास है। खुदा को माने महमूद साहब आप उस प्रेम में कहाँ आएंगे यार, आपका तो मुंह प्रेम से बड़ा है यार। अरे यार मैं सोने के लिए प्रेम मांग रहा हूँ। भाई जब आप पूरे नहीं आएंगे तो उसमें सोएंगे कैसे? नबील मैं अपने बच्चे सोने के लिए मांग रहा हूँ, मैं उसे पार्क में साथ ले जाना चाहता हूँ इसलिए प्रेम मांग रहा हूँ। ओ यार महमूद साहब वो कुछ सस्ती प्रेम नहीं है यार जो मैं आपको ऐसे उठा के दे दूँ। खूबसूरत के पापा इंग्लैंड से लेके आए थे, 1200 pounds की थी। तो तुम कौन सा इस्तेमाल करते हो यार, ऐसे ही बेकार पड़ी हुई है। महमूद साहब वो प्रेम यहाँ के छोटे मोटे पार्कों के लिए नहीं बनी, वो मैं जब इंग्लैंड शिफ्ट होऊंगा वहां निकालूंगा उसे। यार मुझसे 1 घंटे का किराया ले लो यार, ये लो 250 rupees। 2 मिनट रुके महमूद साहब मैं अभी लेके आया यार। हैं? हाँ हमने कौन सा चाटना है उस प्रेम को, आखिर भाई भाई के काम आता है। थैंक यू मेरे भाई,
मैं अपने और सोने की बात कर रहा हूँ। लेके आ रहा हूँ, मैं उसका लेके आ रहा हूँ। ईद मुबारक वाले तुम्हें दे दिए। ओके बाय बाय। मामू, नबील मान गया है प्रेम देने पे। हाँ, तो मेरे पुत्र ने कौन सा मना कर देना था? अरे ऐसे नहीं माना, 250 रुपया किराया लिया उसने, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। क्या? हाँ। बड़ा ही कमीना है। तुमने मुझे कमीना कहा? नहीं, मैंने उस जलील को कमीना कहा है। जलील? नबील। हाँ, मैंने जलील को नबील कहा है। जलील, छोड़ो यार, ये तैयार है ना? हाँ जी, मैंने इसको तैयार कर दिया है, पास से एक टीका लगाना है। अरे कौन सा टीका लगाना है तुमने? अभी 3 दिन पहले तो हमने टीके लगवाए हैं इसको। मैंने ना इसको आँखों का टीका लगाना है, नजर, हाँ नजर का टीका लगाना है। मंजर, अरे छोड़ो टीके को, लाओ अब इसको दे भी दो, बता पार्क में रश कम हो जाएगा। तो आपने कौन सा जैसा लगाना है उधर जाके? जानू, चांदी कहीं जा रही है? मैं जा रही हूँ नबील। तो जानू, चांदी को क्यों तैयार कर रही हो? क्योंकि चांदी मेरे साथ जा रही है। कहाँ? दोस्त के घर यार। अरे वाह, मेरी बेटी की दोस्त भी बन गई। मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ यार। ओ अच्छा, जानू तुम प्रेम लेके तो नहीं जा रही हो ना? नहीं नबील, चांदी प्रेम में बैठी कहाँ है? पापा ने खाम खे में इतना महंगा प्रेम ले लिया जो किसी के काम नहीं आ रहा। आज से काम आएगा जानू। क्या मतलब? वो महमूद साहब ना सोने के लिए प्रेम मांग रहे हैं। महमूद साहब प्रेम में सोएंगे? नहीं नहीं जानू, अपने बेटे सोने के लिए। कोई जरूरत नहीं है नबील, मैं इस प्रेम को पड़े जंग लगा दूंगी, लेकिन महमूद साहब को नहीं दूंगी। क्यों जानू? अरे याद नहीं है नबील, हमारी चांदी का बाउंसर भी तोड़ चुका है वो सोना। जानू, वो सोने ने थोड़ा थोड़ा था, वो तो माँ जी उसमें भरने की कोशिश कर रही थी। मैं कुछ नहीं जानती नबील, बस मैं अपनी बच्ची की कोई भी चीज माँ जी या महमूद साहब को नहीं दूंगी। पहले इतनी हमारी चीजें गुम कर चुके हैं। जानू तुम फिक्र मत करो, मैं ना प्रेम मैं अभी टैक्सी लेके आता हूँ। ऐसे कितना ना कायोट लग रहा है हमारा बेबी। ऐसा लग रहा है ये गाड़ी मेरे सोने के लिए बनाई गई है। गाड़ी नहीं, प्रेम मोमो। हाँ प्रेम वाली गाड़ी ना। ओ यार। अच्छा जी, आपने जाने खैरियत से, तो खैर हाँ, मैं पहली बार महमूद से दूर कर रही हूँ असलम। अरे मेरा नाम महमूद है। हैं? अच्छा यार खुदा। अच्छा चले, मैं आपको दरवाजे पे छोड़ आती हूँ। कसम है मेरी ना। ये तू किधर जा रही है फिलजा मोइन? खूबसूरत। थैंक यू। आज मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ। तो बच्ची को ऐसे गोद में लेकर जाएगी? तो और कैसे लेकर जाऊँ, प्रेम तो आप लोगों ने उठवा लिया इसका। चुपे, खबरदार जो झूठा इल्जाम लगाया हो। मुफ्त में नहीं लिया तेरी प्रेम वाली गाड़ी बच्ची की, किराया दिया है हमने। हाँ किराया? हाँ, घर का नहीं देते तो क्या हुआ? तेरी प्रेम वाली गाड़ी का तो पूरा 250 रुपया दिया है हमने। व्हाट? ओ यस यस, 250 रुपीज। मुबालगा बच्चू। नबील ने किराया लिया? हाँ जी। नबील, जानू टैक्सी आ गई है। जानू टैक्सी आ गई है, मैंने उसे 150 रुपया दे दिया। कि क्या घटिया हरकत की है तुमने नबील? जानू ज्यादा दे दिए पैसे मैंने उसे। नबील तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घटिया हरकतें करते हुए? जानू मैं टैक्सी वाले से 50 रुपए वापस ले आता हूँ। मैं टैक्सी वाले की बात नहीं कर रही हूँ नबील। फिर तुमने महमूद साहब से प्रेम का किराया लिया 250 रुपए? क्यों जानू, कम लिए है क्या? नबील तुम अब ये काम करोगे? जानू ये कोई घटिया काम नहीं है, मैंने हिसाब लगा लिया। अगर 1 घंटे में 250 रुपए मिलते हैं और हम 10 घंटे एक दिन में दें तो 2500 रुपए बनते हैं। क्या? 1 महीने में 75,000। जरा सोचो, अगर ये बिजनेस चल निकला तो 3 महीने बाद एक और प्रेम ले लेंगे और एक साल में 4-4 पूरे शहर में हमारी प्रेम सर्विस होगी। ओ गॉड। और वो भी तुम्हारे नाम पे जानू। खूबसूरत प्रेम सर्विस, गरीबों के बच्चे करें अमीरों की अय्याशी। शट अप आपने भील। ओके जानू, जानू जानू जानू, ये औरत चाहती नहीं मैं कोई ढंग का काम करूं। महमूद साहब को गए हुए 15 मिनट हो गए, अगर 1 घंटे लेट हुए ना तो 50 रुपए ज्यादा लूंगा। यस। सोना
अरे क्या बाग है, वाह 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 वाह, हर तरफ औरतें और लड़कियां और वो भी इतनी हसीन। अरे तू भी क्या याद करेगा कि बाप ने तुझे इसी उम्र में याशी करवा दी। सोना आ उधर किसी कॉर्नर में बैठ के ना आराम से देखते हैं, हैं? चल 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 आ जा आ जा। ओ हो आ जा। बाइक खराब हो गई क्या? नहीं यार। तो फिर यहाँ पे क्यों रोक दी? अबे इसलिए हमें यही आना था। यहाँ क्यों? ये वो जगह है जहाँ सारे अमीर लोग वॉक करने आते हैं। हैं? हाँ। चलो उस्ताद फिर हम भी वॉक करते हैं, लोग समझे कि हम भी अमीर हैं। अबे यार हम यहाँ वॉक करने नहीं आए। तो फिर हम यहाँ क्या करने आए हैं? अबे यार मैं पूरा समझा के लाया था कि हम यहाँ अगवा करने आए हैं। किसको? अबे किससे भी मोटी असामी को उठा लेते हैं। मोटी असामी को कैसे उठाएंगे और लेके कैसे जाएंगे? अपनी मोटरसाइकिल पे तो हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से आते हैं, उसको क्या सर पे बिठाएंगे? अबे मोटी असामी का मतलब है मालदार पार्टी, जो ज्यादा मालदार लगेगा उसी को अगवा कर लेंगे। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सबसे ज्यादा मालदार है? सबके पास बारी बारी जाके पूछेंगे, या एक काम करते हैं ऊंची आवाज लगाकर पूछेंगे जो सबसे ज्यादा मालदार है अपना हाथ खड़ा कर ले। अबे इस पार्क में सारे मालदार लोग ही आते हैं। तो फिर हम यहाँ क्यों आए? हमारे पास तो खाने पीने के पैसे नहीं है। अबे वो ही तो लेने आए हैं यहाँ। यहाँ खाना मिलता है? अबे पैसे मिलेंगे इस पार्क में, पैसे मिलेंगे, चलो ढूंढते। अबे पैसे घास पे पड़े हुए नहीं मिलेंगे। फिर कहाँ पे पड़े मिलेंगे? अबे यार हम यहाँ से किसी अमीर पार्टी को उठाएंगे, फिर पैसे मांगेंगे और वो हमें पैसे दे देगा। नहीं मेरे बाप। फिर? अबे यार हम उसे अगवा करेंगे, उसके घर वालों से पैसे मांगेंगे, फिर पैसे मिलेंगे। उस्ताद इतना टाइम किसके पास है? बड़ा फजूल आइडिया, चलो कुछ और सोचते हैं। ए! तेरा बॉस मैं हूँ या तू? जहाँ बोला वही चल चल। माँ जी खबरदार जो मेरे चल को पे नियत लगाई हो जुल्फकार। नबील। हाँ खबरदार जो मेरे नबील पे जुल्फकार लगाई हो। चिलगोजे? ओ माँ जी ये चिलगोजे नहीं है, आप चिप्स खा रही हैं। माँ जी ये कोई वक्त है चिप्स खाने का? मुझे सर्दियों में जब भी टेंशन होती है ना तो मैं यही चिलगोजे खाती हूँ फरदास। नबील। अरे नबील नहीं खाती, चिलगोजे खाती हूँ। अरे आपको टेंशन किस बात की है माँ जी? मेरे मियाँ पीतल लेकर अभी तक नहीं आए ना। लेकिन महमूद साहब तो पार गए हैं। हाँ जी तो पीतल लेकर ही गए थे ना। ओ माँ जी उसका नाम सोना है। किसका? आपके बच्चे का। मेरा बच्चा तो तू है। ओ माँ जी क्या हुआ? नहीं नहीं माँ जी मैं तो खुश हो रहा हूँ, महमूद साहब जितनी देर से आएंगे उतनी ज्यादा मेरी दिहाड़ी लगेगी, अभी तक 500 रुपए तो हो चुके हैं। क्या हो गया माँ जी? अबे वो देख एक लड़की है उस्ताद। अबे यार वो लड़की की बात नहीं कर रहा, उस अंकल को देख। तो हम क्या इधर अंकल को देखना है? अबे वो अंकल अमीर लग रहा है मुझे। हाँ उस्ताद पूरे पार्क में किसी के पास दूरबीन नहीं है, सिर्फ इसके पास है, चलाओ उससे दूरबीन छीन लेते हैं। अबे दूरबीन नहीं छीननी। फिर क्या छीनना है? अबे यार मैं तुझे यहाँ लाया ही क्यों? क्यों? अगवा करने के लिए। हम उस अंकल को अगवा करेंगे तो क्या बच्चे से पैसे मांगेंगे? अबे बच्चे को उठा लेते हैं। किसके बच्चे को? बिल्ली के बच्चे को। लेकिन हम बिल्ली के बच्चे का करेंगे क्या? अरे यार मैं उस अंकल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो देख। तुम्हें कैसे पता कि वो अंकल का बच्चा है? हो सकता है वो किसी और का बच्चा चलाने लाया हो। अबे तू चुप कर साले, चल बच्चा उठाते। क्यों वो सो रहा है क्या? अबे नहीं यार। फिर बच्चे को यहीं बुला लेते। अरे वो बच्चा कैसे आएगा यहाँ? क्यों नहीं आएगा उस्ताद, हम उसे टॉफी दिखाएंगे तो वो यहाँ खुद आ जाएगा। मेरे बाप वहाँ जाके बच्चे को लाना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, हम अंकल के पास जाके बच्चा मांग लेते हैं, कैसा? अबे हम किडनैपर हैं, किडनैपर। अच्छा तो हमने आज तक किसी को अगवा क्यों नहीं किया? अबे किया तो था पिछली बार, भूल गया क्या? मोमो को। कौन मोमो? अच्छा वो बुलबुले वाली। हाँ। अरे बड़ी बस्ट आंटी है यार वो, पिछली बार वाला एपिसोड अपना बड़ा टाइट बना था, मेरे पूरे मोहल्ले ने बड़ा पसंद किया था उसे। अबे चल यार तेरी एक्टिंग किसी ने पता नहीं की थी, चल। तुम्हारी कौन सी अच्छी है? वाह सोने,
अरे कितनी सोनी सोनी लड़कियां है। अरे मुझे क्या पता था कि सुबह की वॉक इतनी अच्छी होती है। अरे कल से हम दोनों बाप बेटा सुबह सुबह इसी पार्क में वॉक करने आया करेंगे और आराम से कॉर्नर में बैठकर वॉक किया करेंगे। उस्ताद ये अंकल किससे बातें कर रहा है? अरे मुझे तो ये ठरकी बुड्ढा लगता है, देख बच्चे को छोड़ के बच्चियों को ताड़ रहा है। एक्सक्यूज मी अंकल, अंकल अब क्या कर रहा है, इजाजत लेगा क्या? नहीं इजाजत नहीं लूंगा, लेकिन हम अंकल को तो बता दे कि हम इनका बच्चा लेके जा रहे हैं। अबे इसकी क्या जरूरत है? तो फिर अंकल को कैसे पता लगेगा कि उनका बच्चा हमने अगवा कर लिया है? अरे छोड़ यार इस बातों को, बच्चे को उठा। ओके अबे प्रेम के साथ ही कंटिन्यूटी में है, चल। को छोड़ना चाहे ये हमारे साथ जाएगा। हम इसे लेके कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो खुद रहने की नहीं है। अबे जहाँ भी जाएंगे उसको साथ लेकर जाएंगे। लेकिन हम इसका करेंगे क्या? पैसे मांगेंगे यार इस बच्चों से। अबे इसके घर वालों से पैसे मांगेंगे। ये शादीशुदा है? अबे बहुत बड़ा है, ये शादीशुदा कैसे हो सकता है? तो फिर इसका घर वाला कौन है? अरे इसके घर के लोगों से पैसे मांगेंगे। उस्ताद ये लड़का है या लड़की? अबे मुझे क्या पता यार। तो हम इसके घर वालों को क्या बोलेंगे कि वो लड़का हमारे पास है या लड़की? अरे यार मैं तेरे हाथ जोड़ता मेरे भाई, इसको लेके चल यार। लेकिन ये गाड़ी मोटरसाइकिल पे आएगी कैसे? अबे तो टैक्सी में लेके आ जा। बॉस लेकिन मेरे पास तो किराए के पैसे ही नहीं है। अबे यार तेरी टेंशन है बड़ी है मान से। ये ले 100 रुपए और मेरा पीछे आ। अबे तू यहाँ कहाँ आ रहा है मेरे बाप? तब तुमने तो कहा कि मेरे पीछे आ। अरे इस बच्चे को टैक्सी में लेके जा। तू तो टैक्सी को लेके कहाँ आना है? अच्छा एक काम कर, तू बाइक चला, मैं बच्चों को लेकर टैक्सी में आता हूँ। लेकिन उस्ताद मुझे तो बाइक चलानी आती नहीं। क्या हुआ उस्ताद, तुम रो क्यों रहे हो? अबे इसलिए क्या, मुझे मेरी माँ याद आ गई है। उस्ताद उन्हें फोन कर लेते। अरे मेरे बाप, इससे पहले कि इस बच्चे का बाप आके शोर मचा के पुलिस को बुला ले, निकल ले यहाँ से। उस्ताद मैं तो कब से कह रहा हूँ, तुम ही खामा खाई यहाँ पे खड़े हो के हमारा टाइम खराब कर रहे हो। अबे टाइम तो मेरा खराब हो गया जो तुझ जैसे सिस्टर को मैंने अपने साथ रख लिया है, निकल ले। उस्ताद बाइक तो ले लो। अरे सोने बेटा, अरे मैंने पहली शादी करते वक्त तेरी मर्जी नहीं पूछी थी, लेकिन अब दूसरी शादी करते हुए तेरी पसंद का जरूर ख्याल रखूंगा। हाँ ये ले देख और बता कि कौन सी आंटी को तू अपनी सौतेली माँ बनाना चाहता है। अबे पकड़ना दूरबीन क्यों नहीं पकड़ रहा? सोने 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 सोने। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।